नमस्कार दोस्तों, न्यू उत्कर्ष आईएएस चैनल पर मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा वीडियो होगा ये होगा रेल परिवहन के बारे में। हम देखेंगे जो मुख्य मुख्य प्रश्न जो रेल परिवहन संबंधित आते हैं जीएस के पर्पज से, उन सभी को हम देखेंगे और देखेंगे कि जो रेल जोन डिवाइड किए गए हैं उनको मैप के जरिए कैसे समझा जाए। इन सभी परीक्षाओं के बारे में जो परीक्षा संबंधित प्रश्न आते हैं उनको सभी को हम कवर करेंगे और वैश्विक स्तर पर भी देखेंगे कुछ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी उन सभी चीज़ों को भी मैं आगे कवर करता हुआ चलूँगा। दरअसल अभी आप देखेंगे कि जो पिछला वीडियो था मैंने हटा दिया है और वो मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा सड़क परिवहन का। तो फिलहाल आज जो वीडियो होगा वो रेल परिवहन का ही है। आइए देखते हैं रेल परिवहन में। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि रेलवे को कुल कितने 17 जोनों में बांटा गया है, कुल कितने 17 जोनों में बांटा गया। आइए इस संबंधित पहले कुछ फैक्ट देख लेते हैं, फिर हम आगे आएंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो विश्व की प्रथम ट्रेन जो चलाई गई थी वो 15 सितंबर 1830 को मैनचेस्टर से लिवरपूल के मध्य चलाई गई थी। 1830 को मैनचेस्टर से लिवरपूल के मध्य। आप जानते होंगे कि मैनचेस्टर किसके लिए जाना जाता है, सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है, और लिवरपूल को हम देखेंगे तो जलयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो ये दोनों पड़ते हैं इंग्लैंड में ही हैं, तो इसको याद रखिएगा। मैनचेस्टर से लिवरपूल के मध्य पहली ट्रेन चलाई गई थी। किंतु जब हम भारत की बात करेंगे तो भारत में प्रथम ट्रेन चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के मध्य चलाई गई थी, जो 34 किलोमीटर लंबी थी, मतलब लंबी दूरी पे ट्रेन चलाई गई थी। इसको याद रखिएगा, हल्का सा फैक्ट है। फिर आगे हम आते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगे उनको हम पढ़ेंगे। तो मुंबई से ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर के मध्य चलाई गई थी, इसको याद रखिएगा। दूसरा ये तो ऐसे नॉर्मल में ट्रेन थी, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक ट्रेन जब चलाई गई थी वो लॉर्ड रीडिंग के काल में मुंबई से कुर्ला के मध्य चलाई गई थी। इसको याद रखिएगा, मुंबई से कुर्ला के मध्य चलाई गई थी, इसको याद रखिएगा। फिर हम देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हम देखेंगे तो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क यूएसए में पड़ता है। तो ये कौन सा ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, जो न्यूयॉर्क सिटी है वहीं पे एक छोटा सा और शहर है उसको बोलते हैं न्यूयॉर्क, वो पार्क एवेन्यू, और वहीं पर ये पड़ता है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल यूएसए में। हल्का सा बस ये याद रखेगा यूएसए में। फिर बात आएगी ये अगर जो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो मैं बता रहा हूँ ये प्लेटफार्मों की संख्या के आधार पर हम इसको बड़ा कह रहे हैं, इसको भी याद रखिएगा। और विश्व सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म को जो हम देखेंगे तो वो गोरखपुर प्लेटफार्म है, जो 1336.33 मीटर लंबा है। सीधे सीधे याद रखिएगा 1.3 किलोमीटर लंबा है। विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग कौन सा है, ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग है। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग जो रूस में स्थित है, जो सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के व्लाडिवोस्टोक तक जाता है। आप मैप में देखेगा, मेरा रूस का वीडियो देखेगा, उसमें आपको मैंने इसके बारे में बताया है विश्व भूगोल के अंतर्गत। तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लाडिवोस्टोक तक जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो रूस का काफ़ी फेमस शहर है, और आप जानते होंगे सेंट पीटर्सबर्ग ये रूस का वित्तीय केंद्र के नाम से जाना जाता है। और व्लाडिवोस्टोक हम देखेंगे तो व्लाडिवोस्टोक जलयान निर्माण के लिए जाना जाता है। ये अगर जो हम देखेंगे तो ये पड़ता है व्लाडिवोस्टोक देखेंगे तो प्रशांत महासागर के किनारे पर स्थित है, रूस में ही है, ये भी दोनों याद रखिएगा। दरअसल सेंट पीटर्सबर्ग का पुराना नाम क्या है, लेनिनग्राद है। तो अगर जो एग्जाम में लेनिनग्राद से व्लाडिवोस्टोक आए तब भी सही है, या सेंट पीटर्सबर्ग से व्लाडिवोस्टोक आए तब भी सही है। सेंट पीटर्सबर्ग की मैं बात बता दूं कि और सेंट पीटर्सबर्ग के बारे में, तो सेंट पीटर्सबर्ग हम देखेंगे तो ये एक बंदरगाह शहर भी हम इसको कह सकते हैं। खैर थोड़ी दूरी पर स्थित है लेकिन एक वित्तीय केंद्र के जरिए काफ़ी फेमस है, और इससे फिनलैंड की खाड़ी होते हुए बाल्टिक सागर से होते हुए पूरे वर्ल्ड में एक्सेस इसके जरिए किया जा सकता है। मतलब इस शहर से जो भी नाव वगैरह जो भी आपको लाना ले जाना है तो इसके जरिए आप कर सकते हैं। उधर व्लाडिवोस्टोक भी हम देखेंगे तो सेंट पीटर्सबर्ग कैसा है, रूस के पश्चिमी किनारे पर स्थित है और व्लाडिवोस्टोक पूर्वी किनारे पर स्थित है। सेंट मतलब और मैं इसकी खास बात बता दूँ ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग की, तो इसकी कई शाखाएँ डिवाइड हैं। एक तो मुख्य शाखा है जो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लाडिवोस्टोक तक जा रही है, लेकिन इसकी शाखाएँ हम देखेंगे तो बीजिंग को भी जाती हैं, उलान बटोर मतलब मंगोलिया को भी जाती हैं, और उत्तर कोरिया में भी जाती हैं। तीन देशों में इसकी शाखाएँ डिवाइड हैं, मतलब कि इसकी शाखाएँ मतलब ट्रांस साइबेरियन रेलवे की शाखाएँ तीन देशों में और भी जाती हैं, उनको भी हल्का सा दिमाग में आप रख लीजिएगा। फिर हम बात करेंगे भारत की, तो भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। तो भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग जब हम देखेंगे तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी को जाता है। डिब्रूगढ़ असम में, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, तो इनके मध्य जाता है। और ट्रेन कौन सी, विवेक एक्सप्रेस ट्रेन है, इसको भी हल्का सा दिमाग में रख सकते हैं आप। ये तो हो गई बातें, कुछ फैक्ट हैं, आइए रेल जोन के बारे में देखते हैं। कुल रेल जोन कितने हैं, 17 हैं, लेकिन 17 आपको दिमाग में नहीं रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में बताएंगे, लेकिन आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिए कुछ इस तरीके से,
सबसे पहले एक लाइन खींचे, सबसे पहले लिखिए मध्य, मध्य रेलवे कहाँ, मुंबई। मध्य के ऊपर जाएंगे तो उत्तर, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली। और उत्तर मध्य का मुख्यालय इलाहाबाद। दक्षिण का ले लेंगे तो चेन्नई। पूरब का ले लेंगे तो कोलकाता। पश्चिम का ले लेंगे तो ये भी मुंबई है। और अगर जो इनके बीच में ये वाला भी अगर जो आप ले लीजिए, ये उत्तर पूर्व का, तो ये पड़ता है गोरखपुर। और ये वाला ले लीजिए, कौन सी दिशा होगी, उत्तर पश्चिम, तो ये कहाँ है, ये है जयपुर। और इस तरफ मैंने बताया कोलकाता, इस तरफ क्या है मुंबई, दक्षिण में क्या है चेन्नई। और इनके बीच में भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया है कि कौन सा रेलवे स्टेशन कहाँ कहाँ पे पड़ता है। तो इनके छोटे छोटे पार्ट में भी, मतलब कि उत्तर मध्य को उत्तर पूर्व में और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया, उन सभी को आइए हम देखते हैं। एक बस मेन जो मैंने बताया इतने याद रखेगा, बाकी के जो है उनको भी हम देख लेंगे। अभी आइए देखते हैं, तो मैप में आइए समझते हैं। तो जैसे मैंने बताया मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। उत्तर मध्य का मुख्यालय इलाहाबाद। उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली। और उत्तर पूर्वी का मुख्यालय है रेलवे का गोरखपुर। और उत्तर पश्चिम का कहाँ है, जयपुर। वेस्ट ईस्टर्न रेलवे जयपुर में है। अब आइए देखते हैं, मध्य का मुख्यालय भी आप याद रखिएगा मुंबई ही है। और वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय भी कहाँ है, मुंबई में है। और वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, जबलपुर में। मतलब पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, जबलपुर में। अब आइए इस तरफ देखते हैं, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। और दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद। अब आइए और देख लेते हैं, दरअसल कोलकाता को हम और देखेंगे तो कोलकाता साउथ ईस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, ये भी कोलकाता में ही है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, ये भी कोलकाता में। मेट्रो रेल का मुख्यालय कहाँ है, ये भी कोलकाता में 2010 में स्थापना की गई थी। और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पड़ेगा, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में पड़ेगा, यहीं करीब पड़ेगा बिलासपुर। तो इस तरीके से रेखा खींचेंगे तो साउथ ईस्ट मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये पड़ेगा बिलासपुर में। बिलासपुर कहाँ है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और ये है ईस्ट ईस्टर्न कोस्टल रेलवे का मुख्यालय, अगर जो हम देखेंगे मतलब पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, भुवनेश्वर में पड़ता है, ये भी याद रखेगा। फिर है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, गुवाहाटी में, मालेगांव बोलते हैं इसको, गुवाहाटी में है, ये भी याद रखेंगे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय। तो ये रेलवे के मुख्यालय से प्रश्न आते हैं। दरअसल आगामी रेलवे की जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उनके पर्पज़ से भी ये इंपॉर्टेंट है, कुछ टॉपिक आपको उसमें मिल सकते हैं जो आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो ये रेलवे संबंधित वाले भी आप इसको नोट कर लीजिएगा, बाकी के लोग भी इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नोट करेंगे तभी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ऐसे आप एक बार पूरा वीडियो एक बार देख लीजिए, फिर दोबारा एक कॉपी पेन लेकर के उसको नोट कर लीजिए, तभी आपको थोड़ा पढ़ने में और समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। और बार बार तो आप वीडियो देख नहीं सकते, क्योंकि आप बार बार वीडियो देखने का मतलब क्या, मैं बताऊं, आपने चीज़ें नोट्स बना लिया है तो आप घर बैठे जब मन का नोट पलट कर देख लें। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप बार बार वीडियो देखेंगे तो बाद में क्या होगा, आप वीडियो बार बार पूरा देखना पड़ेगा। शॉर्ट नोट बना लेंगे तो आपको एक ही बार पलट के आप चीज़ें देख लेंगे, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसको नोट करते हुए जरूर चलिएगा। अगर जो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि वीडियो बहुत ही तेज़ी हो जाती है वीडियो बनाने में, मतलब कि जो मैं बोलता हूँ काफ़ी तेज़ी हो जाती है, तो मैं तेज़ी, आपको भी तेज़ी लानी पड़ेगी समझने के लिए और सोच समझने के लिए तेज़ी लानी पड़ेगी। तेज़ी कुछ चीज़ें तो मैं तेज़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि अगर जो ज़्यादा धीरे करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, और ज़्यादा लंबी वीडियो देखना कोई पसंद नहीं करता है। वैसे भी अगर जो थोड़ा स्लो करते हैं तभी 15 से 20 मिनट, फास्ट होते हुए भी 15 20 मिनट हो जाते हैं कि सो लेंगे करेंगे तो 30 मिनट के 40 मिनट के ऊपर वीडियो हो जाएगी और लोग कम देखना पसंद करते हैं। तो ये भी हल्का सा कारण है। आप चाहें तो आप ऊपर यूट्यूब में आप देखेंगे तो आपको स्पीड स्लो करने का भी ऑप्शन आता है, स्पीड स्लो कर दीजिए और धीरे धीरे वीडियो चलना शुरू हो जाएगी, तो ये आप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, तो ये तो गई बातें रेलवे मुख्यालय की, इन सभी मुख्यालयों को आप याद रखिए। कुछ नहीं करना, एक सीधे लाइन खींच दिए दिल्ली, सीधे के मध्य में करेंगे तो मतलब उत्तर मध्य का मुख्यालय कहाँ पे, तो दिल्ली, मतलब कि इलाहाबाद इस तरफ खींच देंगे तो गोरखपुर, इस तरफ खींच दें तो जयपुर, और यहाँ पे बीच में देखें तो मुंबई, इस तरफ खींच दें तो भी मुंबई, इस तरफ खींच दें कोलकाता, दक्षिण में क्या है चेन्नई, इस तरफ खींच देंगे तो हुबली पड़ता है। हुबली कहाँ है, कर्नाटक में पड़ता है, काफ़ी फेमस है। और
इस तरफ खींच देंगे तो और भी साउथ सेंट्रल रेलवे मतलब किसी के बीच में हम देखेंगे तो यहाँ पे पड़ेगा सिकंदराबाद, इस तरफ खींच देंगे तो यहीं पे बीच में पड़ जाएगा बिलासपुर। तो ये सब हैं, इनको याद रखिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो हाजीपुर, इस तरफ देखेंगे तो जबलपुर। तो खैर, तो ये सब हैं, इनका सा लाइन खींच के बना लेंगे मैप में तो ये आसानी होगी इनको समझने में। आइए देखते हैं। और एक परियोजना है काफ़ी फेमस है, कोंकण रेलवे परियोजना। जो कोंकण रेलवे परियोजना को हम देखेंगे तो मार्च 1990 की परियोजना है, जो पश्चिमी तट के सहारे सहारे बनाई गई है, जो रोहा से मंगलौर को जोड़ती है। रोहा को हम देखेंगे तो ये पड़ता है, रोहा महाराष्ट्र में है। तो ये जो कुल रेल लाइन को हम देखें तो तीन जगह से होते हुए जाती है, तीन राज्यों से। एक तो पड़ेगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, तीन राज्यों से होकर फैली हुई है। तो इसका जो रोहा है वो पड़ता है महाराष्ट्र में, और जो मंगलौर है वो गोवा, रोहा पड़ता है महाराष्ट्र में और मंगलौर पड़ता है कर्नाटका में। मैंने बंदरगाह में बताया न्यू मंगलौर वगैरह, तो मंगलौर यहीं पे पड़ता है। आइए देखते हैं, इनके बीच में भी काफ़ी ज़्यादा कुछ फेमस रेलवे स्टेशन है, उनको मैंने बता दिया है क्योंकि इनसे परीक्षाओं में प्रश्न आ सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए, रोहा से मंगलौर के बीच में इसकी दूरी कुल कितनी है, 760 किलोमीटर दूरी है, और ये रोहा से मंगलौर को जोड़ता है। इसके बीच में फेमस रेलवे स्टेशन है रत्नागिरी, रत्नागिरी काफ़ी फेमस स्टेशन है, इस पर परीक्षा में प्रश्न आ चुके हैं। रोहा से मंगलौर जाते वक्त आप निम्न में से किस स्टेशन से होकर के गुजरेंगे, इनमें से एक है रत्नगिरी, उसी के नीचे आएंगे तो एक पड़ता है वरना। आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं वरना की संधि, आप कमेंट करके बताइए वरना की संधि किसके किसके बीच हुई। फिर उसी के नीचे आएंगे तो पड़ेगा नंदीकुर, नंदीकुर के बाद हम देखेंगे तो फिर मंगलौर पड़ जाएगा। आठ बाग के बीच में बहुत सारे स्टेशन हैं लेकिन सबको आपको जानना नहीं है। ये रेलवे स्टेशन जो मतलब कि जो ये लाइन है ये काफ़ी फेमस है, जो कोंकण रेलवे पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी फेमस है। रत्नागिरी के पास अगर जो आप देखेंगे तो यहाँ पर स्थित है कारबूडे, कारबूडे के पास में एक सुरंग स्थित है, ट्रेन उस सुरंग के अंदर से होते हुए जाती है, और ये करीब 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है। ये दरअसल सुरंग को मतलब कि ये इस ट्रेन को देखेंगे तो ये क्या है, पश्चिमी घाट को क्रॉस करते हुए जाती है, और आप इस ट्रेन से होकर के गुजरेंगे तो आपको काफ़ी मनोहारी दृश्य आपको देखने को मिलेंगे, तो याद रखिएगा। फिर आते हैं हम कुछ प्रमुख रेलवे कारखाने, उनको हम देख लेते हैं, फिर हम आएंगे जो उन ट्रेनों की चर्चा करेंगे जो विदेशों तक जाती हैं, भारत की ट्रेनें उनके बारे में हम आगे देखेंगे। तो प्रमुख रेलवे कारखाने इनको आइए हम देख लेते हैं। तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की बात करेंगे तो चितरंजन पश्चिम बंगाल में स्थित है, और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स DLW बोलते हैं, मरुआ डी वाराणसी। तो आप अगर जो वाराणसी ही कभी गए होंगे तो आप इससे बहुत वाकिफ़ होंगे, मरुआ डी वाराणसी। जैसे ही आप स्टेशन पे उतरें या कहीं लंका वगैरह जाएं तो आपको सीधे सीधे बुलाते हैं आइए मरुआ डी, ज़बरदस्ती टेम्पो वाले बैठाने लग जाते हैं। तो मरुआ डी वाराणसी। फिर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है, पेराम्बूर तमिलनाडु में है, पेराम्बूर तमिलनाडु। फिर गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप कहाँ पे है, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित है गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप। फिर रेल कोच फैक्ट्री है ये कपूरथला पंजाब में है। फिर मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में है। फिर एक और देखिए, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री ये मधेपुरा बिहार में, मधेपुरा बिहार का एक जिला है, वहीं पर स्थित है। फिर रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ है, बेंगलोरों में पड़ती है, बेंगलोर। इतने आप याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट हैं, मिलाने के लिए आपको परीक्षा में इनसे कभी भी भेंट हो सकती है, कौन सा कहाँ पर स्थित है। ये अधिकतर प्रश्न मिलाने के लिए आता है कि एक एक तरफ दे देगा कि मतलब ये फैक्ट्रियाँ वगैरह दे देगा, दूसरी तरफ स्थान दे देगा, आप मिलाइए कौन सा स्थान कहाँ पर स्थित है। ऐसे प्रश्न आपको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेंगे, अभी पेपर सॉल्व करते रहिए अपना। आइए देखते हैं कुछ ट्रेनें जो विदेशों में भी जाती हैं उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी ट्रेनें विदेशों में जाती हैं। तो विदेशों में ट्रेन की बात करेंगे तो सबसे पहले मैं बता दूँ, दो ट्रेनें काफ़ी फेमस हैं जो पाकिस्तान को जाती हैं। तो पाकिस्तान को जाने वाली दो ट्रेनों में पहली है समझौता एक्सप्रेस और दूसरी है थार एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस की बात करेंगे तो समझौता एक्सप्रेस कहाँ से चलती है, वैसे चलती तो दिल्ली से, दिल्ली के बाद अमृतसर, अमृतसर के बाद अटारी, अटारी के बाद फिर लाहौर, तो लाहौर तक जाती है। दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से अटारी, अटारी से लाहौर। अटारी भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन भी पड़ता है, इसके तुरंत बाद क्या होता है, पाकिस्तान शुरू जाता है और ये ट्रेन लाहौर तक जाती है। दूसरी है थार एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस चलती है जैसलमेर से, सॉरी जोधपुर से, जोधपुर से होते हुए जाती है कराची तक। खैर बीच में और भी स्टेशन पाकिस्तान पड़ते हैं लेकिन खास इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्का सा याद रखिएगा। थार एक्सप्रेस भी जाती कहाँ है, पाकिस्तान को जाती है थार एक्सप्रेस। अब हम बात करेंगे और ट्रेनें जो विदेश में जाती हैं, तो उनमें से नाम आएगा बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश की ट्रेनों की ओर हम रुक करें तो देखेंगे कौन कौन सी ट्रेनें हैं। तो इनके बीच में दो मुख्य ट्रेनें चलती हैं, एक है जिसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस, मतलब समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान को, मैत्री एक्सप्रेस बांग्लादेश को, जो जाती है कोलकाता से ढाका के मध्य जाती है। इसको याद रखिएगा, मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता से ढाका के मध्य में,
और दूसरी एक बिल्कुल लेटेस्ट मूवी चलाई गई है, बंधन एक्सप्रेस, जो जाती है कोलकाता से खुलना के मध्य तक। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से खुलना के मध्य जाती है, तो कोलकाता से खुलना का मतलब कि आप खुलना कहाँ पड़ता है, खुलना को हम देखेंगे तो पड़ता है बांग्लादेश में, कोलकाता आप जान ही नहीं, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता ही है। तो ये सब आप चीज़ें इनको याद रखिएगा, ये रेल संबंधित प्रश्न है, ये कभी भी आप इन सब की प्रश्नों की आपको भेंट इनसे हो सकती है। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे जल परिवहन के बारे में, हम बताएंगे NW1, NW3, NW4 जो जल परिवहन मतलब कि नेशनल वाटरवेज वगैरह हैं उनके बारे में बताएंगे, और जो पिछला वीडियो जो मैंने डिलीट कर दिया उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगर जो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर वगैरह कर दीजिएगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, धन्यवाद।